everybody and welcome back to SK Manikis and we're back again with class 12 ki NCERT physics. Actually, में this topic I haven't picked up from NCERT की physics of class 12. Rather, it's of mathematics which is partial differentiation and as I had said in one of my video over class 12 की NCERT physics की, I guess it was probably electric charges, actually electrostatic potential and capacitance. तो वहां पे मैंने कहा भी था कि I'll bring a separate video over partial differentiation जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक्चुअली लेट मी टेल यू कि जैसे हम लोग नॉर्मली कैलकुलस पढ़ रहे थे, वी आर लर्निंग द डिफरेंशिएशन मेथड्स एंड इंटीग्रेशन मेथड्स. तो वहां पे जैसे कैलकुलस हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज के लिए, लेकिन जब हम लोग वेक्टर्स को भी इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करते हैं तो ऑब्वियसली वही रूल्स यूज करते हैं. लेकिन इसके लिए एक्चुअल में एक अनदर ब्रांच आता है नोन एज वेक्टर कैलकुलस, राइट. तो जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है हमारा ऑब्वियसली वेक्टर कैलकुलस के ब्रांच में आएगा. दिस इज अ पार्ट ऑफ वेक्टर कैलकुलस. इट इंक्लूड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन. जब हम लोग और फर्दर पढ़ेंगे लाइक विल स्टडी व्हेन विल स्टडी मैक्सवेल्स इक्वेशन. मैक्सवेल्स इक्वेशन से जितनी इंपॉर्टेंट हमारी थिंग्स लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी इंपॉर्टेंट हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप कह सकते हो मैकेनिक्स में होते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंट मैक्सवेल्स इक्वेशन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होते हैं. सिर्फ सिंगल फोर इक्वेशंस, आपको फोर इक्वेशंस मिलेंगे जो कि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरीज को समराइज करेंगे. सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जस्ट डिफाइंड इन फोर इक्वेशंस. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अ थ्योरी ऑफ एवरीथिंग विच विल एक्सप्लेन द एंटायर यूनिवर्स विद अ सिंगल इक्वेशन, वैसे ही इट इज अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. द मैक्सवेल्स इक्वेशंस विद जस्ट सिंगल लॉ विद फोर इक्वेशंस आप पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ सकते हो. बट द ट्रबल इज कि वहां पे जब हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस पढ़ते हैं, लाइक लेट मी राइट द फर्स्ट इक्वेशन राइट हियर. मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई इक्वल्स रू ओवर एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे आपको क्या देखेगा, वेक्टर कैलकुलस दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन थिंग्स लाइक दिस के रूल्स यूज होंगे. एंड दैट इज दिस इज रियली अ कंपल्सरी टॉपिक टू स्टडी टू मास्टर अगर आपको फिजिक्स हाई लेवल की पढ़नी है. सो विल नॉट गो इनटू वेरी मच डिटेल. इंस्टेड विल स्टडी हाउ मच इज रिक्वायर्ड इन क्लास 12th की एनसीईआरटी फिजिक्स, जितना अभी हमें रिक्वायर्ड होगा एंड फर्दर जितना रिक्वायर्ड होगा उसके लिए स्पेशलाइज्ड के लिए. लाइक हम लोग जब पार्शियल डिफरेंशिएशन, अभी हम लोग ग्रेडियंट पढ़ लेंगे, बट व्हेन विल स्टडी फर्दर थिंग्स लाइक डाइवर्जेंस जो कि ये होता है लाइक कर्ल ऑफ सर्टेन वेक्टर्स एंड वेक्टर फील्ड्स, देन विल गो ऑन इवन फर्दर. तो पहले तो हम लोग फील्ड देख लेते हैं. फील्ड तो हर किसी को पता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं. फील्ड एक्चुअल में होता क्या, ये एक ऐसे काइंड के वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी होती है, एक ऐसी काइंड की क्वांटिटी एज अ होल जो कि पॉइंट्स इन स्पेस में डिपेंड करती है. पॉइंट्स इन स्पेस, कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस, आपके पास कोई भी पॉइंट है तो यहाँ पे एक हम एक स्केलर या फिर वेक्टर ऐसी क्वांटिटी एसोसिएट करेंगे इस पूरे रीजन से कि इस पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है, इस पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है. बहुत बार ये फील्ड एट वेरियस पॉइंट सेम होती है लेकिन एक्चुअल में वो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, दैट इज इस पॉइंट पे भी डिफरेंट हो सकती है, इस पॉइंट पे भी डिफरेंट हो सकती है. दिस इज फील्ड. जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड मास से क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से क्रिएट होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज से ही क्रिएट होता है. सो दैट इज कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट या फिर ऐसा कोई पीस ऑफ मैटर एक फील्ड को क्रिएट करता है. तो जब हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, लाइक लेट मी शो यू द डिफरेंशिएशन ऑफ से वेलोसिटी वेक्टर, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन वेक्टर. तो यहां पे अगर हम लोग देखें वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न. हमें इसका सेंस समझना पड़ेगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, माने एग्जैक्टली है क्या, दीज थिंग्स आर जस्ट वेरी इजी. वेलोसिटी एज अ होल किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है.
एंड अगर वेलोसिटी एक सिंगल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट, टाइम भी तो एक कोऑर्डिनेट है, नाउ यू विल नॉट स्टडी इट पर्टिकुलरली एट दिस टाइम, लेकिन आप देखोगे टाइम इज द फोर्थ डायमेंशन, विल यू स्टडी थिंग्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स, वो भी वाली नहीं, नॉट ऑफ क्वांटम एंड एटमिक एंड न्यूक्लियर, जब आप मॉडर्न फिजिक्स एंड रिलेटिविस्टिक वर्जन पढ़ोगे। तो वेलोसिटी यहाँ पे सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, तो टाइम का डेरिवेटिव निकाले, वी जस्ट गॉट द एक्सेलरेशन वेक्टर। लेकिन वेलोसिटी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर स्पेस कोऑर्डिनेट, एक्स पे नहीं डिपेंड किया, वाई पे नहीं, जेड पे नहीं। क्या होगा अगर वेलोसिटी मल्टीपल क्वांटिटीज पे डिपेंड करे? अब ऐसा देखने को तो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी हमारी काइंड की क्वांटिटीज होती हैं, लाइक फील्ड। मैंने क्या बोला था कि फील्ड एक ऐसी काइंड की आपको स्केलर या वेक्टर दोनों हो सकती है, लाइक टेम्परेचर फील्ड भी होता है, नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, टेम्परेचर फील्ड भी होता है, विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि बाय पॉइंट्स इन स्पेस, बाय वेरियस पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स इन स्पेस, ये भी वैरी कर सकती है, कर जाती है, इनफैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन फ्यू केसेस इट विल स्टे द सेम। तो पॉइंट्स इन स्पेस को अगर क्लासिकल फिजिक्स में ही देखें तो यू एसोसिएट थ्री कोऑर्डिनेट्स टू इट, राइट, थ्री पॉइंट्स, थ्री कोऑर्डिनेट्स, जिससे आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन जान सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास है एक पॉइंट, एक ही पॉइंट लेते हैं, कि अगर मुझे इसकी लोकेशन, इसकी पोजिशन पता करना है तो मुझे इससे थ्री नंबर्स को एसोसिएट करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा कि दिस इज एट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो यहाँ पे हम किसके रेस्पेक्ट में इसकी डेरिवेटिव निकाले? रिमेंबर कि फील्ड इज सच अ क्वांटिटी कि अनलाइक वेलोसिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ जस्ट अ सिंगल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट विच इज टाइम, यहाँ पे फील्ड किसका किसका कोऑर्डिनेट होगा, एक्चुअल में किस पे डिपेंड करेगा, सॉरी, फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर सकता है, वाई कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर सकता है, एंड जेड कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड कर सकता है, इनफैक्ट ये डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव निकाले, कैसे निकाले, कि हमारे पास थ्री वेरिएबल्स होगा, से आपके पास कोई भी फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर फील्ड, ये पर्टिकुलरली हम लोग कुछ नहीं ले रहे, से आपके पास है एक फील्ड वेक्टर है, इसको हम लोग एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड दे रहे हैं, एज से 3x² माइनस 2y² प्लस 5z². अब मैंने बोला आपको कि इस फील्ड का डेरिवेटिव निकालो, क्योंकि हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एक्चुअल में क्वांटिटी का डेरिवेटिव निकालते हैं, उसका इंटीग्रल निकालते हैं, तो कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलती है। दिस इज जस्ट फिजिक्स कि कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगी। मैंने बोला कि वेक्टर डी ए ओवर में आप क्या करो, अब एक्स वाई जेड को भाई सिंगल थिंग से एस से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया, इवन अगर वेक्टर फॉर्मेट में आपने नहीं लिखा सो दैट्स नॉट ट्रबल, आप डी ए ओवर डी एस निकालो। आप कैसे निकालोगे? यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, सो हाउ विल यू डू इट इन फैक्ट? तो आप ऐसे नहीं कर सकते, एंड इसी चीज के लिए आती है हमारी वेक्टर कैलकुलस की द रियल थिंग, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसे पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों कहते हैं? हम चीजों को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, इसे थ्री फॉर्म में आप डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे हम एक डिफरेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मॉडिफाइड डी, दिस इज डी ए ओवर डी एस। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि आप ना बस क्या करो कि जब आप वन बाय वन एक्स वाई एंड जेड वाले टर्म्स को, दिस इज एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे वाई स्क्वेयर, यहाँ पे जेड स्क्वेयर, मैंने सारे स्क्वेयर में भी लिया, बाकी फॉर्मेट्स में भी हो सकते हैं, तो आप पहले एक्स वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करो एंड इन दोनों को कॉन्स्टेंट मान लो एंड इसको वेरिएबल मानो एंड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डी ऑफ 3x² ओवर dx। उसके बाद हमारा क्या है माइनस में, दिस इज 2y² डी ऑफ 2y² ओवर dx। यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट कि यहाँ पे डी ऑफ 2y का स्क्वेयर है तो यहाँ पे ओवर dx, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, आपको ऐसा करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ले लिया कि ये सिर्फ एक कॉन्स्टेंट टर्म है, हम लोगों ने तीनों को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, राइट, दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब इन द एंड हमें जो भी मिल रहा है दैट इज व्हाट, कि इसे हम लोग एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए कहेंगे। वैसे हम ऐसे करके
तीन टाइम्स करेंगे कि पहले तो x को वेरिएबल माना, बाकी सब कॉन्स्टेंट, फिर y को वेरिएबल माना, बाकी सब कॉन्स्टेंट, फिर z को वेरिएबल माना, बाकी सब कॉन्स्टेंट। एंड ये तो हो गया हमारा द x वाला कॉम्पोनेंट ऑफ दिस डेरिवेटिव ऑफ फील्ड। तो इन द एंड जो हमारे डेरिवेटिव होगा dA ओवर dS, ऑब्वियसली कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, जस्ट लिव इट फॉर नाउ, दिस इज सिंपली dA ऑफ द x ऑफ ओवर में dS हो गया, प्लस इसी चीज का y कॉम्पोनेंट, प्लस इसी चीज का z कॉम्पोनेंट। एंड दैट इज जस्ट सो सिंपल कि आप एक एक क्वांटिटी को वेरिएबल मान के बाकी सब क्वांटिटीज को कॉन्स्टेंट मानो एंड जस्ट सॉल्व फॉर दिस थिंग। तो जब हम लोगों ने ऐसा किया, हम लोगों ने इन वेरिएबल्स को, इन फील्ड्स को पार्शियली डिफरेंशिएट किया एंड देन इट कैन इजिली बी सॉल्व। अनलाइक हियर कि यहाँ पे एक सर्टेन था, आई नो कि दिस इज अ रादर इजियर प्रोसेस, कि दिस इज अ लॉट क्विकर प्रोसेस, लेकिन इसमें इफ यू आर ट्राइंग टू गो कि हमें एक ही बार में डिफरेंशिएट करना है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल एटलीस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसलिए आपको इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसके लिए एक नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, राइट? जैसे ये हमारी सर्टेन क्वांटिटीज है, इसका मैं एक पहले तो एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव को यूज कर रहे थे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो लीव द वेक्टर नोटेशन फॉर राइट नाउ, वेक्टर नोटेशन को अभी नहीं लेंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज द नेगेटिव of the partial derivative of position with respect to what? With respect to coordinates in space, से हम लोगों ने एस एस को बोल दिया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। बाद में इसका इंटीग्रल करते हैं एंड वी डू ऑल एंड ऑल, लेकिन दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज द एस वाला डेरिवेटिव, पोजिशन वाला डेरिवेटिव ऑफ वी। इसको हम लोग एक नोटेशन देते हैं विच इज रिटन इन दिस काइंड ऑफ मैनर। This is how we write it. ये एक equation है। अब actual में what is the meaning behind this thing? मैंने आपको ये इस वाले video जिसमें मैंने ये equation derive करके दिखाया था, उसमें बोला भी था कि जो ये है ना हमारा this symbol is nabla। ये symbol हमारा nabla है, या फिर even if you don't want it, so you can simply call it del। Let me tell you very interesting fact कि this is just the opposite of this वाला symbol जो कि ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल को हम लोग डेल्टा कहते हैं। बहुत सारे लोग इस सिंबल को डेल कहते हैं, सो डोंट कंफ्यूज इट, दिस इज डेल्टा एंड द ऑपोजिट ऑफ दिस थिंग इज डेल। एंड रिमेंबर डेल इज अ वेक्टर ऑपरेटर। आई नो इट सीम्स फनी एट फर्स्ट कि एक ऑपरेटर कैसे वेक्टर हो सकता है, दिस इजंट अ क्वांटिटी एट ऑल, जस्ट रिमेंबर कि एक क्वांटिटी नहीं है, ये एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब This isn't a quantity, this is operator. तो ये जो हमारा d over ds हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, जब भी with respect to coordinates in space, with respect to position displacement, these things हम लोग derivative निकालते हैं, partial derivative in fact निकालते हैं। तो इसको हम लोग summarize कर सकते हैं by a single thing। तो हर किसी को पता है ये operator होता है कि जब normally differentiate करें, ये d over dt, d over ds, d over dx, ये सब क्या होते हैं? Operator होते हैं। तो डेल भी हमारा ऑपरेटर है जिसे हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इट इज एक्चुअली दिस डी ओवर डी एस, दैट इज ऑपरेटर। नाउ इट माइट फील स्ट्रेंज कि ऑपरेटर के ऊपर एक वेक्टर का सिंबल हम लोगों ने क्यों लगाया, एंड आई नो इट विल फील अ लॉट ऑफ स्ट्रेंज, लेकिन एक्चुअल में स्कैलर फील्ड से हम वेक्टर फील्ड्स डिराइव कर सकते हैं एंड ऑल्सो वेक्टर फील्ड से हम स्कैलर फील्ड्स भी डिराइव कर सकते हैं। लेट मी शो यू, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर होती है। डजंट दिस फील स्ट्रेंज कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर है, हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा, राइट? कि एक वेक्टर और स्केलर, एंड दैट इज द रीजन कि ना कि डेल का सिर्फ यही काम होता है, ना कि डेल का सिर्फ यही काम होता है कि इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करे, बल्कि एक स्केलर फील्ड को एक वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट करती है। एंड जब आपके पास एक वेक्टर फील्ड होगा तो ये उसे एक स्केलर फील्ड में कन्वर्ट करेगी। तो जैसे अभी तक हम लोग जो ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, दे वर स्केलर ऑपरेटर्स, कि ऑपरेटर्स को भी हम स्केलर एंड वेक्टर में क्लासिफाई करते हैं। तो स्केलर ऑपरेटर्स कि जो स्केलर है वो स्केलर है, जो वेक्टर है वो तो वो वेक्टर है, लेकिन डेल हमारा एक वेक्टर ऑपरेटर है।
डेल इज अ वेक्टर ऑपरेटर. ऑल्दो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, लेकिन इसके भी आप मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, नॉट डिविजन एट ऑल, लेकिन मल्टीप्लीकेशन देखोगे. लाइक हियर इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. आई नो दिस फील्स स्ट्रेंज. जब आप वेक्टर कैलकुलस फर्स्ट टाइम पढ़ोगे then it will feel so much strange ki what is all this going on, but still it is all reasonable, it is all logical. So first of all I think this is pretty much filled, and after pausing the video then we'll go on, we'll continue with our del operator. Okay, so much we got. Ab hum log thoda del operator iske bare mein thoda aur dekh lete hain. Remember what I said ki ek scalar ko ek vector mein transform kar dega. राइट ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि वी हम लोगों ने एक फिजिकल ऐसी क्वांटिटी मास कहा था जो कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच इज जस्ट अ नंबर जिसकी चेंज एक्चुअल में वैल्यू करती है. दिस इज नॉट इटसेल्फ विच वैल्यूज, लेकिन फिर भी इसको भी हम लोग एज अ होल एक फील्ड कह सकते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि फील्ड इज नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब. क्योंकि एक फील्ड ऐसी कोई भी क्वांटिटी होगी, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि आप देखोगे, जो कि पॉइंट्स इन स्पेस पे डिपेंड करती है कि ये किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पे है इन स्पेस. तो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज अ फील्ड. तो इन द एंड दिस कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज फील्ड्स. तो स्केलर फील्ड के डेल ऑपरेटर्स लेते हैं, को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें वेक्टर्स मिलते हैं. एंड जब वेक्टर्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पे हमें दो ऑप्शंस मिल सकते हैं. एक तो या तो स्केलर मिले या फिर वेक्टर मिले. अब उन्हें कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, आई एम लिविंग दैट फॉर लैटर. वहां पे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट चलता है ऑफ एन ऑपरेटर एंड अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ फिजिकल एंड फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ एन ऑपरेटर एंड फिजिकल क्वांटिटी. सो आई लिव दैट फॉर लैटर. जब हम फर्दर स्टडी करेंगे तब वो सारी एप्लीकेशन आएंगे. Presently in partial differentiation in vector calculus, I'm not going to cover that, those kinds of things. वो जब उसकी necessity होगी, then we'll cover those things. तो अब हम लोगों ने क्या देखा था कि like we had written कि vector E is negative. इसको पढ़ते क्या है? Not negative del operator V. It is said to be कि vector E is negative potential gradient. हाँ, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. राइट, दैट इज व्हाट वी रीड टू दिस थिंग. हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि जितने स्ट्रेंज हम लोगों ने इन्हें देखा था, ये उससे भी स्ट्रेंज है ये डेल ऑपरेटर्स. एक्चुअल में अब हम लोगों ने क्या देखा था, इट कैन कन्वर्ट वेक्टर्स इन स्केलर्स एंड वेक्टर्स एज वेल, एंड स्केलर्स तो वेक्टर्स पक्का है. तो एज वी हैड सीन कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एज द नेगेटिव of dv over ds, जिसको अगर as a whole represent करें, so this is just the negative dv over dx plus dv over dy plus में dv over dz. तो ये this, this and this, ये जो तीनों separate operators हमारे बन गए out of this del operator, तो इनका sum is what? इनका sum is just the del operator. इन सबका sum. राइट, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि डेल ऑपरेटर के लिए ही एक इक्वेशन लिख सकते हैं. आई नो अगेन इट मे साउंड वियर्ड एंड क्रेजी, लेकिन हम डेल ऑपरेटर के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं. दिस इज डी ओवर डी एक्स प्लस डी ओवर डी वाई प्लस डी ओवर डी जेड, एंड ऐसा पॉसिबल है एंड इट रियली ऑल्सो हैपेंस. बट रिमेंबर वन थिंग कि इनमें कंप्लीट सेंस तब तक नहीं बन पाएगा जब तक यहाँ पे हम लोगों ने नंबर्स नहीं डाल रखा है. जब तक यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है तब तक हम इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे. लेकिन इक्वेशन तो ये बन गया कि डेल ऑपरेटर इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी पार्शियल डिफरेंस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस दैट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस दैट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू जेड. तो इक्वेशन ऑब्वियसली वैलिड है, लेकिन इसमें हमें नंबर्स रखने पड़ेंगे जब हम डिफरेंशिएट करें, क्योंकि नॉट इन ऑल केसेस हमारे पास ये फील्ड वेक्टर ए है या फिर ए है. नॉट इन ऑल केसेस हमारी फील्ड बी होगी या फिर टेम्परेचर फील्ड इन वेरियस थिंग्स लाइक दैट. इसीलिए हम लोगों ने फील्ड का वो आपका फॉर द नेक्स्ट पर्सन वी हैव लेफ्ट कि जो भी फील्ड उसे रखना है इसमें रखेगा. बट वॉट वी हैव स्टेटेड द रियल इक्वेशन कि बाद में यहाँ पे हमें राइट साइड में ये फील्ड की वैल्यू रखनी है एंड देन यू कैन फाइंड आउट. And this is what a very great physicist, mathematician, and astronomer.
एक बहुत ही ग्रेट फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर जेम्स जीन्स ने कहा था कि वी लीव द ऑपरेटर्स राइट हियर ऑलवेज हंग्री टू डिफरेंशिएट समथिंग, क्योंकि द स्टमक इजंट कम्प्लीटली फिल्ड येट, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कोई स्केलर या फिर वेक्टर कोई फील्ड तो प्रोवाइड किया नहीं इन द सी क्वेश्चन, राइट? सो दे आर स्टिल हंग्री टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सच फील्ड जो कि दे कैन जस्ट डाइजेस्ट अप इन ऑर्डर फॉर दिस एंटायर क्वेश्चन टू मेक सेंस. And that is all that we need to know currently about partial differentiation. इतना हमें पता करना है. But remember one thing again, I am saying कि for this all to make sense, you have to put in the scalars. We just wrote the form. ये as a whole एक equation नहीं कह सकते. लेकिन this is the form of a del operator. And that was all for today. Thanks to you always. And Jai Hind, Jai Bharat.